हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम। चुप बैठने से हल नहीं होने का ये मसला। जिया जालंधरी के कहे शेर को अपनी जिंदगी का असल मकसद बनाया डॉक्टर ब्रिजिता वीवी ने। उन्होंने जब देखा कि उनके अपने देश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, साथ ही जरूरत है समर्पण भाव की, वो भारत में स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं के बारे में पहले से ही जागरूक थी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि वो इतने दूर देश में हजारों पुरुषों और महिलाओं के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान के हाथ का एक सहायक बनने जा रही हैं, वो भी उन लोगों के बीच जिन्हें वो ना तो जानती थी और ना ही कभी उन्होंने उनको देखा था। उनकी भावना और समर्पण ने मनुष्य में भगवान की सेवा करने की दृष्टि को अपनाया। 27 फरवरी 1939 को केरल में जन्मी और लखनऊ के लोरेटो से प्रारंभिक शिक्षा और सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से MBBS होने के बाद इटालियन कैपेचोस मिशनरी के काम से प्रेरणा लेकर गोंडा के शांतिनगर क्षेत्र में ये सेवा के लिए गईं, जहां पर उन्होंने फादर नोबर्ट और फादर पीटर एप्स्टोगी के साथ मिलकर सेवा कार्य किए। डॉक्टर ब्रिजिता वीवी ने गोंडा जिले में कई संपर्क मार्गों का निर्माण तो कराया ही है, साथ ही गरीबों के लिए कम लागत वाले मकानों का निर्माण भी करवाया है। इसके साथ ही गरीबी उन्मूलन, वयस्क और बाल शिक्षा, यातायात के लिए अच्छी सड़कें, कुष्ठ रोगियों की सेवा, महिला सशक्तिकरण और मलिन बस्तियों में अनेक कार्य किए। डॉक्टर ब्रिजिता ने प्रार्थना के साथ अपनी दृष्टि और मिशन से वर्ष 1984 में सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक की नींव रखी। शुरुआत वास्तव में बहुत छोटी थी, जिसमें एक डॉक्टर, दो नर्स और कुछ अन्य सहायक थे, लेकिन बाद में वो हुआ जिसके आप सब साक्षी हैं। सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक एक गैर लाभकारी धर्मार्थ अस्पताल है, जिसमें निवारण, प्रोत्साहन, उपचार, पुनर्वास और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर बहुत जोर दिया जाता है। ये एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेफरल हॉस्पिटल के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें उच्च, योग्य और सक्षम डॉक्टर्स हैं, जो सर्वोत्तम चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और नैदानिक सेवाएं प्रदान करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक स्वास्थ्य देखभाल, RCH, MCH, विकलांगों की देखभाल और सहायता, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, युवा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने, स्वास्थ्य सेवा वितरण में कौशल प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता के लिए काम कर रहा है, जिससे कमजोर वर्गों का उत्थान और बच्चों, विशेषकर बालिकाओं का कल्याण सुनिश्चित हो सके। सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक तक ना पहुंच पाने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर ब्रिजिता वीवी द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया जाता रहता है। इसके साथ ही सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। डॉक्टर ब्रिजिता वीवी द्वारा हर साल 100 से अधिक छात्रों को कॉपी किताब, खिलौने और दूसरी जरूरत की सामग्री भी प्रदान की जाती थी। डॉक्टर ब्रिजिता महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को लेकर लगातार प्रयत्नशील हैं। अपने शिफ्ट स्कूल के जरिए पॉलीक्लिनिक शिक्षा की अलख जगाए हुए है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ गांवों का चयन कर सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिया गया और महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया। सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक ने दिव्यांगजनों की जिंदगी सुधारने के लिए अनेक सकारात्मक कार्य किए हैं, खासकर उनके लिए जो चलने फिरने में असमर्थ थे। आज उनकी जिंदगी बेहतर और आसान हो गई है। मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ब्रिजिता की ओर से नियमित रूप से स्वास्थ्य कैंप और क्लासेस चलाई जाती थीं, जिससे यहाँ रहने वाले बच्चों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण के लिए डॉक्टर ब्रिजिता ने सिप्सा के साथ मिलकर देवा ब्लॉक बाराबंकी, निंदूरा और रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर के गांवों में जाकर
जागरूकता अभियान चलाया, जिससे वहां की महिलाओं में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अभूतपूर्व बदलाव नजर आए। वैसे तो संस्थान महिलाओं को प्रशिक्षण देता ही था, लेकिन 2007 से नर्सेस की विधिवत ट्रेनिंग भारत सेवक समाज के साथ जुड़कर शुरू की और 2009 से नर्सिंग डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए गए। उसके उपरांत 2013 से डिग्री कोर्सेज और 2020 से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी शुरू किए गए। इससे बहुत से गरीब छात्र छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हुए। कोविड-19 की रोकथाम और कोविड के मरीजों को उचित इलाज देने के लिए सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक और डॉक्टर ब्रिजिता वीवी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बढ़ती उम्र में डॉक्टर ब्रिजिता का ये सेवा भाव अवश्य ही अविस्मरणीय है। ये डॉक्टर ब्रिजिता वीवी की दूरदृष्टि और कर्मठता का ही नतीजा है कि आज हजारों लाखों की संख्या में लोगों को सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के जरिए फायदा पहुंचा है। चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या अन्य सामुदायिक कार्य, समाज को एक रोशनी, एक दिशा देने वाली डॉक्टर ब्रिजिता वीवी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है।